बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, इसमें भी हमें फाइंड करना होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना होगा, चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लेट्स ऑफ ईच कैपेसिटर। ये भी बैटरी, ये बैटरी 12 वोल्ट की है, इसमें जो है दो कैपेसिटर सीरीज में हैं इस तरह। ये 6 माइक्रोफेरेड का और दूसरा है 12 माइक्रोफेरेड का, और इनके साथ एक पैरेलल में है सिक्स माइक्रोफेरेट का कैपेसिटर। अब देखिए कि इस तरीके से मैं इसको क्या कह रहा हूं, नाम अपने तरफ से दे देता हूं, इसका C1, इसका C2, इसका C3, जो नया आता जाएगा उसको C4 इस तरह करता जाऊंगा। इसका चार्ज Q1, इसका Q2, इसका Q3 करूंगा हर प्लेट में। इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2, V3, जो हमारा जनरल नोटेशन होती है, हम उसमें कन्फ्यूज नहीं होते। अच्छा, अब ये दोनों सीरीज में है सबसे पहले, तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/C3 सीरीज में, तो 1/1 होगा, 1/6 प्लस 1/12 एलसीएम ये होगा 2+1, तो 1/C3 आ जाएगा 3/12 के, यानी 1/4 के, तो C3 आ जाएगा 4 माइक्रोफेरेड। तो अब हमारा सर्किट ये हो जाएगा, 12 वोल्ट की बैटरी, इन दोनों की जगह पे ये 4 माइक्रोफेरेड C3 तो पहले इस्तेमाल हुआ है, C4 ये आ गया कितना, 4 माइक्रोफेरेड, और इसके साथ ये पहले से लगा हुआ है C3 6 माइक्रोफेरेड। अब ये 4 माइक्रोफेरेड और 6 माइक्रोफेरेड जो है वो पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट जो आएगा सबका वो आएगा 4+6, यानी ये आ जाएगा 10 माइक्रोफेरेड। तो अभी सर्किट ही हमारा इस तरह हो जाएगा कि ये 12 वोल्ट और ये 10 माइक्रोफेरेड। अच्छा, अब मैं इसका डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, इधर भी कर सकता हूँ, इसमें ये अगर ना भी इस्तेमाल करूँ ये तभी ठीक है। देखें पैरेलल में तो इसका भी 12 वोल्ट है, इसका भी 12 वोल्ट है, तो मैं Q3 और Q4 दोनों मालूम कर सकता हूँ। Q3 हमारा आ जाएगा बेसिकली, पहले तो V3 मालूम करूँ, देखें V3 12 वोल्ट, ये तो आंसर भी होगा, V3 हमारा आंसर है। अच्छा, और V4 भी जो है वो 12 वोल्ट आएगा, दोनों पैरेलल में है। तो अच्छा, अब मैं Q3 मालूम करना चाहता हूँ, Q3 बराबर होगा C3 V3, C3 है 6 इंटू V3 है 12, तो 6 × 12 = 72 माइक्रो है, माइक्रो कूलम Q3, यानी इस पे चार्ज जो है हर प्लेट पे 72 माइक्रो कूलम होगा, और Q4 भी जो है वो आ जाएगा C4 V4, यह जाएगा 4 इंटू कितना हो जाएगा, यह 12 यह जाएगा 48 माइक्रो कूलम, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी इसका यही आएगा। तो अब यानी V4 में कह रहा हूँ कि आएगा 12 वोल्ट, V4 भी 12 वोल्ट है, V3 भी 12 वोल्ट है। अच्छा, अब आप देखें, ऊपर चला जाऊँगा मैं, इसका तो इसका हमें मिल गया, V3 भी मिल गया 12 वोल्ट, Q3 भी मिल गया, Q3 हमें मिल गया कितना है, Q3 मिला 72 माइक्रो कूलम, 72 माइक्रो कूलम इसका मिल गया चार्ज, और ये सारा कुछ। अब इसका वोल्टेज टोटल तो ये, इसका Q1 Q2 दोनों मिल चुका है हमें। देखें, अगर बेसिकली हमारा ये है कि जो Q4 है वो ही जो इसका चार्ज होगा, क्योंकि ये इसका बेसिकली इन दोनों का मिला है, तो जो इसका चार्ज है C4 का चार्ज है, यानी Q4 वो उन दोनों का चार्ज होगा। मैं कह सकता हूँ कि Q4 बराबर होगा Q1 = Q2, ये यानी देखिए क्यों इन दोनों की वजह से बना है, Q1 और Q2 की वजह से बना है, और Q4 कितना था, Q4 था हमारा,
Q4 था 48 माइक्रोकूलम, तो ये भी 48 माइक्रोकूलम आ जाएगा। तो अब हम इसका C4 और C3 सारा पता है, Q4 Q1 Q2 यही आ गया, तो हमें V1 चाहिए। V1 बराबर होगा Q1 अपॉन C1 के, Q1 है 48 माइक्रोकूलम अपॉन C1 कितना है देखें, C1 है 6 माइक्रोफेरेड, 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 माइक्रोफेरेड माइक्रो माइक्रो में कैंसिल, तो यह आ जाएगा 8 वोल्ट। तो V2 ना भी करें तो टोटल 12 वोल्ट है, तो 4 वोल्ट आएगा, लेकिन हम कर लें कि ये 48 है, यानी ये आ जाएगा V2 Q2 अपॉन C2 48 माइक्रोकूलम अपॉन ये आ जाएगा 12 माइक्रोफेरेड माइक्रो माइक्रो में कैंसिल, हो जाएगा 4 वोल्ट। अब पूरा आंसर हमें आ गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारा आया 10 माइक्रोफेरेड, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का 10 माइक्रोफेरेड आया, ओरिजिनल ये है, सारी चीज़ें इधर से देखें। और इसका पहले V3 और Q3 मैं इधर चलो आंसर लिखता हूँ कि याद रहे आंसर, तो आप एंड पे लिखेंगे, ये सामने डायग्राम है तो बता सकता हूँ मैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस टोटल आया 10 माइक्रोफेरेड, फिर हर प्लेट का वोल्टेज, इसका V3 का वोल्टेज आया 12 वोल्ट, और V1 आया हमारा, V1 कितना आया, मेरा ख्याल 8 वोल्ट आया, 4 वोल्ट आया, कितना आया, V1 8 वोल्ट आया, V2 8 वोल्ट, V1 8 वोल्ट आया, V2 4 वोल्ट आया, यानी ये 12 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट और ये 8 वोल्ट। उसके बाद Q3 जो है, Q3 इसका चार्ज आया 72 माइक्रोकूलम, और Q1 और Q2 दोनों वैसे सीरीज में दोनों बराबर आएंगे, Q1 Q2 वो आया हमारा कितना, मेरा ख्याल 48 माइक्रोकूलम, हाँ यस 48 माइक्रोकूलम। तो हमारा सर्किट ये सॉल्व हो गया पूरा। अगर आप एनर्जी कहते हैं तो एनर्जी 1/2 C² से एनर्जी मालूम कर सकते हैं, वो आप देखेंगे इसकी एनर्जी, इसकी एनर्जी, इसकी एनर्जी सम करेंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की हमेशा एनर्जी आ गई, आप ये करके करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे सर्किट सॉल्व हो गया।